Hey guys, welcome back to my channel Azad Cut here. I am Jyotsna Azad. Guys, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम किन किन फील्ड में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद अपना करियर जो है वो सेट कर सकते हैं. 10 पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होती है फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद वो है टू वर्क एज अ डिज़ाइनर. हम किसी एक्सपोर्ट हाउस में, किसी गारमेंट इंडस्ट्री में, या फिर किसी बुटीक में, या किसी डिज़ाइनर के अंडर भी एज अ फैशन डिज़ाइनर हम वर्क कर सकते हैं. हमारा काम होता है कि आने वाले ट्रेंड्स को स्टडी करना और उनके अकॉर्डिंग न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करना, न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करना. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एज अ गारमेंट डिज़ाइनर ही वर्क करना है. आप चाहें तो फुटवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे तो ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. क्योंकि हमने फैशन डिज़ाइनिंग की है, सो सबसे बड़ी और सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास यही होती है कि हम अपना करियर एज अ फैशन डिजाइनर परस्यू करें. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आती है टू वर्क एज अ फैशन इलस्ट्रेटर. फैशन इलस्ट्रेटर्स का काम होता है न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करना, उनकी इलस्ट्रेशंस बनाना, या फिर जो डिज़ाइंस ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं उनकी इलस्ट्रेशंस बनाना फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट और फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग. अब मैं आपको जल्दी से डिफरेंस बता देती हूँ कि फैशन डिज़ाइनर्स और फैशन इलस्ट्रेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. फैशन डिज़ाइनर का काम सिर्फ यहीं तक नहीं होता कि उसने डिज़ाइन क्रिएट किया एंड दैट्स इट. फैशन डिज़ाइनर को जो भी उसने डिज़ाइन बनाया है उसको रियलिटी में लेके आना पड़ता है, जबकि फैशन इलस्ट्रेटर का काम बस इतना होता है कि उसने अपनी इलस्ट्रेशन बनाई और उसने आगे अपने क्लाइंट को या फिर अपने डिज़ाइनर को फॉरवर्ड कर दी. अब इस डिज़ाइन को रियल में कैसे क्रिएट करना है, जो गारमेंट का डिज़ाइन डिज़ाइनर के पास आया है उसको रियल गारमेंट में कैसे क्रिएट करना है, वो काम आ जाता है फैशन डिज़ाइनर का. सो फैशन डिज़ाइनर का जो फोकस है वो रहता है प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में, और फैशन इलस्ट्रेटर्स का जो फोकस है वो रहता है उनकी इलस्ट्रेशंस पे या उनकी ड्राइंग्स पे. सो अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप एज अ फैशन इलस्ट्रेटर भी अपना करियर बना सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद. थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है टू वर्क एज अ फैशन स्टाइलिस्ट. अब फैशन स्टाइलिस्ट या तो इंडिविजुअल्स के लिए वर्क कर सकते हैं या फिर किसी फैशन ब्रांड या फैशन हाउस के लिए वर्क कर सकते हैं. फैशन स्टाइलिस्ट का काम होता है बेसिकली फैशन के बारे में एडवाइस देना. लाइक अगर कहीं पे फ़ोटोशूट चल रहा है तो उसके सारे आउटफिट्स सजेस्ट करना कि लाइक इस टाइप का फ़ोटोशूट है, ये फ़ोटोशूट की थीम है, सो इसके साथ कौन से आउटफिट्स जाएंगे, या फिर जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको उनके डिफरेंट ओकेजन्स के अकॉर्डिंग उनके आउटफिट्स रेडी करके देना, उनको सजेस्ट करना कि इस ओकेजन पे आप ये आउटफिट पहन सकते हो, ये अच्छा लगेगा. सो बेसिकली ये सारा काम आ जाता है फैशन स्टाइलिस्ट का. सो हम एज अ फैशन स्टाइलिस्ट भी वर्क कर सकते हैं. फोर्थ ऑप्शन आती है हमारे पास टू वर्क एज अ फैशन कंसल्टेंट. फैशन कंसल्टेंट्स को पूरी नॉलेज रखनी पड़ती है कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर आने वाले फैशन ट्रेंड्स क्या होंगे, क्योंकि फैशन कंसल्टेंट्स का काम होता है बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, ब्रांड्स को हेल्प करना, उनको गाइड करना कि लाइक अगर वो ये ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की सेल करेंगे तो उनकी सेल इंक्रीज होगी और मार्केटिंग में उनकी जो पोजीशन है वो बनी रहेगी, या फिर उनकी पोजीशन लोअर से हायर लेवल पे भी जा सकती है. सो फैशन कंसल्टेंट्स का यही काम होता है कि सारे ट्रेंड्स की नॉलेज रखना और बिजनेसेस को गाइड करना कि वो अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकें. फिफ्थ ऑप्शन आती है हमारे पास टू वर्क एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर. हम लोग मॉल्स में जाते हैं, देखते हैं ब्रांड्स के इतने अच्छे अच्छे डिस्प्ले हो रखे होते हैं, और जब हम स्टोर में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने इतने अट्रैक्टिव तरीके से डिस्प्ले किए होते हैं. सो उसके पीछे विजुअल मर्चेंडाइजर का हाथ होता है या फिर विजुअल मर्चेंडाइजर की पूरी टीम होती है. सो विजुअल मर्चेंडाइजर का यही काम होता है दैट विंडो डिस्प्ले करना और इतने अच्छे तरीके से, इतनी अट्रैक्टिव मैनर में करना कि कस्टमर्स उस डिस्प्ले से अट्रैक्ट हों
वो स्टोर में एंटर करें तो स्टोर के डिस्प्ले से अट्रैक्ट हों और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाय करके ज़रूर जाएं। सो आप एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका यही काम रहेगा कि प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है। अगर आप विंडो डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप क्या क्या प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, क्या आप कलर थीम रखेंगे, ये सारा कुछ डिसाइड करना विजुअल मर्चेंडाइजर का काम होता है। सो अगर आपको स्टिचिंग में, इलास्ट्रेशन में, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास टू वर्क एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। जैसे फैशन डिज़ाइनर का फोकस रहता है गारमेंट्स को डिज़ाइन करने में, न्यू सिलवट्स क्रिएट करने में, न्यू फीचर्स क्रिएट करने में, वैसे ही टेक्सटाइल डिज़ाइनर का जो फोकस है वो रहता है न्यू प्रिंट्स क्रिएट करने में, न्यू कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने में, बेसिकली न्यू फैब्रिक्स क्रिएट करने में। और वैसे तो फैशन डिज़ाइनिंग के अंडर भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है टेक्सटाइल साइंस, जिसमें हमें डिफरेंट टेक्सटाइल्स की नॉलेज दी जाती है, बट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की अलग से डिग्री आती है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्सटाइल्स में तो आप वो भी कर सकते हैं। सेवेंथ ऑप्शन आती है हमारे पास टू वर्क एज अ पैटर्न मेकर। जब भी कोई गारमेंट क्रिएट होता है तो सबसे पहले उसका पैटर्न बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है पेपर के ऊपर, और चाहे एक्सपोर्ट हाउस है चाहे कोई बुटीक है, जब भी गारमेंट बनेगा तो उसका ड्राफ्ट ज़रूर बनेगा। अगर कोई न्यू गारमेंट भी क्रिएट हो रहा है तो उसका भी डेफिनेटली आपको पहले ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और ये सारा काम होता है पैटर्न मेकर का। सो अगर आपको पैटर्न्स बनाने अच्छे लगते हैं, अगर आपको काफ़ी नॉलेज है पैटर्न्स की, अगर आप पैटर्न ड्राफ्ट कर सकते हैं तो आप एज अ पैटर्न मेकर भी वर्क कर सकते हैं। एट्थ ऑप्शन आती है हमारे पास टू वर्क एज अ टीचर। इंडिया में तो गर्ल्स के लिए टीचिंग से अच्छी कोई जॉब मानी ही नहीं जाती, स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो जी बस बल्ले बल्ले है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सो अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में तो आप किसी भी फैशन इंस्टीट्यूट में, फैशन कॉलेज में, फैशन स्कूल में एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग के जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या जिस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आप उस सब्जेक्ट के लिए एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं। नाइन्थ ऑप्शन आती है हमारे पास टू वर्क एज अ फैशन जर्नलिस्ट। अब फैशन जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूज़पेपर्स में या फिर मैगज़ीन में फैशन आर्टिकल्स लिखना, क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना। सो इसके लिए बेसिकली आपको ट्रेंड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर मैं कहूँ आपकी जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स की नॉलेज है वो अच्छी होना ज़रूरी है, और साथ ही आपको पूरी लाइक नॉलेज होनी चाहिए कि फैशन वर्ल्ड में बेसिकली क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। सो आपको खुद को पता होना ज़रूरी है। टेंथ, लास्ट एंड दी बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होती है फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद, वो है टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर। एंड आई वुड से इससे अच्छी ऑप्शन और कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, हम खुद ही खुद के बॉस हैं और लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमें हमारे नाम से, हमारे काम से हमें पहचानते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर हम अपना खुद का बुटीक खोल सकते हैं, हम खुद की लेबल लॉन्च कर सकते हैं, हम फैशन ब्लॉगर बन सकते हैं, हम यूट्यूबर बन सकते हैं, हम खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। सो जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है आप उस तरफ जा सकते हैं, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। सो गाइज, ये वो कुछ मेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद, जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं जो मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। हो सकता है कुछ ऑप्शंस मैं स्किप कर गई हूँ या कुछ ऑप्शंस के बारे में मुझे भी नहीं पता, बट जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं हमें नॉलेज मिलती जाती है। और जब आप फैशन डिज़ाइनिंग कर लेंगे, जब आप जॉब सर्च करना शुरू करेंगे या फिर कंपनीज आपके कैंपस में आएंगी फॉर हायरिंग, सो आपको किसी ना किसी फील्ड में तो जॉब मिल ही जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। सो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करने की सोच रहे हैं, यू कैन जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज उसके बाद हमारे पास बहुत स्कोप होता है। जिस तरफ हमारा इंटरेस्ट है हम उस तरफ जा सकते हैं। सो गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट दी लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।